हाँ, पिछले लेक्चर्स के बारे में अभी डॉक्टर मधुसूदन गर्ग सर से मेरी बात हुई थी 2 मिनट, तो सर ने एक चीज कही थी, अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिक्शनरी ऑर्डर तो लगा ही दिया है, तो फिर कंपैरिजन तो हो ही सकता है जब डिक्शनरी ऑर्डर पढ़ा ही दिया है। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा सुधार देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अब हमारे पास सेट है वो ऑर्डर्ड से सेट तो बन जाएगा, टोटली ऑर्डर्ड, टोटली ऑर्डर्ड सेट तो बन जाएगा, टोटली ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनेगा। ऑर्डर्ड फील्ड, तो यहां पर जो ऑर्डर की बात हो रही है वो डिक्शनरी ऑर्डर की बात हो रही है, मतलब जो हमारे दिमाग में बचपन से नहीं बना है कि ये नंबर छोटा है ये बड़ा है, डायरेक्टली जो हमारे हिसाब से बनता है। हमें लगता है कि सेंस हमारा मैग्नीट्यूड पे जाता है ज्यादातर, बड़े छोटे का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप मॉड लेंगे तो हम अभी डिफाइन करेंगे कि वो रियल नंबर बनेंगे, और रियल नंबर में तो ऑर्डर्डनेस ऑर्डिनरी वे में डिफाइन है। तो कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जो भी अगर कंपेरिजन करना है तो वो हमारे पास डिक्शनरी ऑर्डर है या लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स की कुछ बेसिक चीजों को हमने बातचीत की थी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे। एक कॉम्प्लेक्स में एक नई चीज आती है जो रियल में नहीं थी, वो थी कंजुगेट। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का क्या मतलब? तो अब अगर हम इसको इस तरह से एक्स और वाई में बात करें, हम कॉम्प्लेक्स प्लेन को ऐसे समझ सकते हैं आसानी से। तो अगर मेरे पास यहां पर कोई पॉइंट है पी, और सपोज ये जेड हम मान लें ऐसे, तो ये हमारे पास आया, तो इसका मतलब अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको तोड़ें तो ये एक्स होगा, ये वाई होगा। अब अगर मैं एक्स एक्सिस को मिरर मान लूं, ध्यान से समझिएगा, एक्स एक्सिस को मिरर मान लूं, तो फिर ये जो पॉइंट पी है इसकी जो इमेज है प्लेन मिरर माना है, और प्लेन मिरर में बच्चों हम लोग जानते हैं कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी पीछे इमेज भी है, तो पी की इमेज सपोज ये क्यू पर बनी, तो मैंने इसको मिलाने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है ये वाई कोऑर्डिनेट की जो हाइट ऊपर को जितना है उतना ही नीचे भी होगा, लेकिन एक्स एक्सिस से नीचे को जा रहे हैं तो वाई को हम माइनस वाई ले लेते हैं, तो यहां पर जो पॉइंट आएगा वो एक्स कॉमा माइनस वाई या एक्स माइनस आई वाई या इसी को हम जेड बार कहेंगे। अगर कोई जेड है तो उसका कंजुगेट क्या है एक्चुअल में, दैट इज द मिरर इमेज ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई, देन मैथमेटिकली तो ये हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई, दैट इज जेड बार इज द इमेज ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फिर आप ये कहेंगे कि अगर कभी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में ही हो तो एक्स एक्सिस में होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर पे हो, अब बारीक साहब सोचिए कोई छोटी सी चीज मिरर पे, पेन की नोक लगा के देखिएगा मिरर पे, तो फिर उस समय क्या आएगा कि उसकी इमेज भी मिरर पर ही बनेगी। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इफ जेड इज प्योरली रियल, आप ऐसा बोलेंगे उसे, प्योरली रियल, प्योरली रियल का मतलब है उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, मतलब वाई जीरो होगा, तो फिर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई इंटू जीरो कर सकते हो, तो आप देखेंगे कि जेड बार भी एक्स माइनस आयोटा जीरो, बेसिकली फिर जेड इक्वल टू जेड बार हो गया, और ये दोनों तरफ से सही है, मतलब जेड इक्वल टू जेड बार अगर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा,
अब कई बार हमारे पास बड़े से एक्सप्रेशन आएंगे बच्चों, इस कंसेप्ट का यूज करते हुए, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है और प्रूफ करो कि ये प्योरली रियल है, ये अप्लाई करो, तो इसे ही यूज करेंगे। इतना बड़ा भी होगा कोई बात नहीं, इसका बार इक्वल टू इसी के बराबर यूज कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत मदद करेगा। अगर वो प्योरली रियल है तो जेड इक्वल टू जेड बार होगा, और जेड इक्वल टू जेड बार है तो वो प्योरली रियल होगा। दूसरी बात, अगर मुझसे पूछा जाए कि जेड बार का कंजुगेट क्या होगा, ये तो जेड बार अगर ऑब्जेक्ट की तरह लिया जाए तो ऑप्टिक्स का एक बेसिक रूल है, आप लोग इस बहाने फिजिक्स में जो लोग पढ़ते हैं ध्यान रखिएगा। ऑप्टिक्स में आप कहीं पर ऑब्जेक्ट रखते हैं और कहीं पर इमेज बनती है। अगर आप जहां पर इमेज है वहां ऑब्जेक्ट रखें तो जहां ऑब्जेक्ट पहले था वहां इमेज बन जाएगी, मतलब वो इंटरचेंजेबल है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑप्टिक्स पढ़ते समय ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट रखे वहां पर इमेज मिल रही तो अब मैं बदल दूं, ऑब्जेक्ट को वहां पर रखूं तो इमेज यहां पर बन जाएगी, आप इंटरचेंज करके सवाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं जेड बार पे ऑब्जेक्ट रखूं तो एक्स एक्सिस को आप मिरर मान रहे हैं, अब आप खुद समझिएगा, तो इसकी जो इमेज होगी वो जेड पे होगी। बस यही हो गया कि ज्योमेट्रिकली जेड डबल बार मतलब कंजुगेट का कंजुगेट ओरिजिनल आ जाए। तीसरी चीज, अगर जेड प्योरली इमेजनरी का मतलब आप समझिएगा, इमेजनरी का मतलब वो वाई एक्सिस में होगा, सरल शब्दों में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि उस समय एक्स से जीरो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर, तो आपके पास जो जेड है वो जीरो प्लस आयोटा टाइम्स वाई हो जाएगा, तो जेड बार जीरो माइनस आयोटा टाइम्स वाई हो जाएगा, तो यहां पर जो जेड बार होगा वो माइनस टाइम्स जेड हो जाएगा। ये भी सही है, अगर आप प्योरली इमेजिनरी कहते हैं तो जेड बार माइनस ऑफ जेड के बराबर हो, और उल्टा भी सही है, अगर जेड बार माइनस ऑफ जेड के बराबर है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी हो सकता बहुत बड़ा, कोई दिक्कत नहीं, वो प्योरली इमेजिनरी हो। क्वेश्चन सॉल्व करने में ये भी मददगार साबित होता है, क्योंकि बड़े एक्सप्रेशन है और वो प्योरली इमेजिनरी करना है तो उस पूरे का कंजुगेट इक्वल टू माइनस टाइम्स वही लिख दीजिए, तो आपको बहुत मदद मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। इतना बड़ा एक्सप्रेशन है कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा। तो कंसेप्ट छोटे छोटे से लगते हैं, एप्लीकेशन सोचने हैं। अच्छा, तो ये हमारा कंजुगेट के बारे में हुआ। कंजुगेट के बारे में कुछ चीजें और भी हैं जो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग कुछ खुद भी कर सकते हैं। जेड वन प्लस जेड टू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का कंजुगेट इक्वल टू जेड वन कंजुगेट प्लस जेड टू कंजुगेट, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ऐसा आप लोग खुद कर लेंगे प्रूफ, तो मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आप जेड वन इंटू जेड टू कंजुगेट करें तो वो भी जेड वन कंजुगेट जेड टू, मतलब कंजुगेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जैसा भी हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जेड वन अपॉन जेड टू होल कंजुगेट इक्वल टू जेड वन कंजुगेट अपॉन जेड टू कंजुगेट, बस ये है कि जेड टू जीरो नहीं होना चाहिए, ओरिजिन की बात नहीं है। तो कंजुगेट का जो आपका रिलेशनशिप है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और एक मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार आएगा, लेकिन वो मॉड डिफाइन होने के बाद बोलना ज्यादा सही है, अभी तक हमने मॉड डिफाइन नहीं किया है। तो नेट सी, जब मुझे लगता है कंजुगेट के बारे में बेसिक नॉलेज हो गई हमारी, और सरल शब्दों में बच्चे ऐसा करते हैं कि आयोटा की जो माइनस आयोटा रख देते हैं कंजुगेट के सेंस में, क्योंकि आई वाई जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा होता है,
कंजुगेट के बारे में अगर हमारी समझ बन चुकी है थोड़ा सा, तो अब हम मॉड्यूलस के बारे में बात करेंगे। मॉड्यूलस क्या है? तो मॉड जिसको हम बात कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा मॉड के बारे में यहाँ पर बात कर ले। रियल फंक्शंस में हम लोग ऐसे डिफाइन करते थे, एफ एक फंक्शन है आर टू आर, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। जब तो इसको समझिए, जब हम ऐसे डिफाइन करते थे, जिन लोगों ने नहीं देखा है डिफरेंशियल कैलकुलस वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है वहां भी देख सकते हैं, या यूट्यूब में कहीं भी ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या है पहले इसको समझिएगा। मॉड क्यों लाया गया होगा? ताकि नेगेटिव हटाया जाए। तो मॉड बेसिकली ज्योमेट्रिकली ओरिजिन से दूरी बताता है, ओरिजिन से दूरी। तो ज्योमेट्रिकली समझना आसान होता है, सपोज ये वन है और ये माइनस वन है, तो इसका मतलब अगर मैंने ये कहा कि कभी किसी मॉड एक्स जो है वन है, इसका मतलब एट से एट ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन से वन दूरी पर है। तो ओरिजिन से वन दूरी पर है तो एट्स वन भी हो सकता है और माइनस वन भी हो सकता है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, जो पॉजिटिव है उसका मॉड तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव का मॉड तो उतना ही होगा, आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। जीरो का मॉड जीरो ही होगा। तो डेफिनेशन में जो ऊपर वाली लाइन है कि अगर एट्स जीरो या पॉजिटिव है तो मॉड एट्स एट्स ही है। लोगों को कंफ्यूजन यहां होता है जब मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स लिखते हैं, जब एक्स लेस देन जीरो। तो अगर मैं माइनस टू का मॉड बोलूं तो जहां पर एक्स है वहां मुझे माइनस टू लिखना चाहिए, तो आप जानते हैं कि अपने आप प्लस टू हो जाएगा। आपका उद्देश्य भी यही था। तो प्लीज आप ध्यान दीजिए, जो नीचे वाली लाइन है वो माइनस एक्स दिख तो रहा है लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी के बाहर से माइनस लिखने से वो नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव तब होता है जब ये चीज आप पॉजिटिव लिखने साथ में। ऐसे तो आप सेवन को माइनस ऑफ माइनस सेवन करके नेगेटिव घोषित कर देंगे। तो प्लीज ध्यान दीजिए, जब माइनस एक्स लिखा हो केवल माइनस साइन बाहर से होने मात्र से वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि एक्स नेगेटिव है वहां पर, तो माइनस एक्स पॉजिटिव होगा बेसिकली। एक्स लेस देन जीरो है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए इनइक्वालिटी, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा, और ग्रेटर देन जीरो को आप पॉजिटिव मानते हैं। तो डेफिनेशन जो दी गई है वो किसी भी नंबर का जब मॉड लेते हैं तो वो नॉन नेगेटिव आता है। रियल लाइन पर आपके लिए चीजें आसान थी, आपने कहा कि या तो किसी भी ओरिजिन से दूरी। तो अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कहीं पर अगर मैं ये बोलता हूं, मैं अभी थोड़ा रियल को और एक्सप्लोर कर लेता हूं। अगर मैंने ये कहा कि एक्स माइनस टू मॉड इक्वल टू थ्री है, तो इसका मतलब समझिए, ज्योमेट्रिकली इसका मतलब है कि 8.2 है, एट से एट ऐसा पॉइंट है जिसकी इस टू से दूरी थ्री के बराबर है, तीन यूनिट है। तो टू के बाद इधर को थ्री, इधर को फोर, इधर को फाइव, इधर लेफ्ट में डरे तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो भाई यहां से तीन यूनिट पर तो एट तो ये आता है वन टू थ्री, और एट इधर को जाए तो ये आता है। तो अब आप केवल बिना सॉल्व करे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एट से जो है या तो माइनस थ्री होगा या फाइव होगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे सॉरी, टू के बाद मैंने क्या कर दिया ये? ने बताया वन जीरो माइनस वन, सॉरी। तो एड्स क्या क्या हो सकता है तीन यूनिट दूरी पर? या तो फाइव लिखिए, फाइव माइनस टू तब भी थ्री आएगा, या एड्स माइनस वन लिखिए तब भी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, और मॉड लिया तो प्लस थ्री। तो मॉड आपको दूरी बता देता है, अच्छा ऐसे करना है। अब आपको यूज यहां भी होता था, आप एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा लेते थे, बहुत सारी डेफिनेशंस में आप एक एप्सिलॉन चूज करते थे, रियल में मैंने पढ़ाया है। आपको एक डेल्टा ढूंढना होता था कि जब कभी भी एफ एक्स माइनस एफ ए का जो डिफरेंस है वो आपके द्वारा चुना गया एप्सिलॉन से कम होगा,
तो उस समय एड्स और एटा डिफरेंस डेल्टा से कम होना चाहिए, तो डेल्टा आप ढूंढते थे। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ डेफिनेशन पे, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ए है कहीं पर, और सपोज ये ए प्लस डेल्टा है क्योंकि डेल्टा हम पॉजिटिव ले रहे हैं और ये ए माइनस डेल्टा है। तो ध्यान दीजिएगा, एड्स जो है एक ऐसा पॉइंट है, ध्यान से समझिए ज्योमेट्रिकली, एड्स रियल लाइन पर कोई पॉइंट है जिसकी ए से दूरी डेल्टा से कम है। तो इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा सोचे तो एक्स ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में आए, कि एक्स एक ऐसा पॉइंट है जिसकी ए से दूरी डेल्टा से कम है, तो जाहिर सी बात है कहां होना चाहिए खुद ही सोचिए। तो ये रियल के मॉड के बारे में हमने बातचीत की, अब हम कॉम्प्लेक्स मॉड के बारे में बात करते हैं। वहां भी सेंस यही है कि इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर जेड ये है तो मॉड ऑफ जेड ये है। फिर हम कॉम्प्लेक्स में अगर ऐसा करें एक्स और वाई, तो ये आपके पास पॉइंट है, ये एक्स कॉमा वाई है, ये ओ है, तो ये जो दूरी है यहां भी ये मॉड ऑफ जेड है। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो आप ज्योमेट्री काफी पुरानी ब्रांच है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री बहुत पुरानी ब्रांच है, ठीक है, बाद में डेकार्ट साहब ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी डेवलप की है और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो भी एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर आप लगा सकते हैं, तो आपको लेटर अच्छा ये भी तो डिस्टेंस ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जो ओपी था यही तो मॉड ऑफ जेड था फिर। तो यहां भी आप समझिएगा मॉड ऑफ जेड आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से दूरी बता रहा है। अब आप कहेंगे इससे अंतर क्या आया, फिर इससे थोड़ा सा अंतर यह आया कि अगर मैं कहीं पर कहता हूं कि मॉड ऑफ जेड वन है, तो इसका मतलब जेड एक ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन से वन दूरी पर है। तो अब सवाल यह है कि रियल लाइन पर तो ओरिजिन से वन दूरी पर दो तरफा जाते थे आप, लेफ्ट या राइट, प्लेन में तो आप चारों तरफ घूम सकते हैं, तो आपको बेसिकली एक ऐसा मिलेगा एक्स वाई और आप इसे मॉड ऑफ जेड इक्वल टू वन कहते हैं, मतलब ये ओरिजिन है वन दूरी पर स्थित सारे पॉइंट, तो ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। जो चीज आपको वहां पर इंटरवल जैसा कुछ देती थी, यहां पर वो आपको सर्कल की तरह बिहेव कर रहे हैं। अभी यूजुअल मेट्रिक के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, तो मॉड आपको कॉम्प्लेक्स में इस तरह से डिफाइन करना है। यहां पर एक चीज और देखनी है, ठीक, अगर आपके पास जेड आपके पास का मॉड आप ले रहे हैं, तो वो उतना ही होगा जितना जेड बार का मॉड बराबर ही होगा। आपने ड्रॉर भी किया था कि जो जेड बार है उसकी भी ओरिजिन से ज्योमेट्रिकली भी आप समझ रहे थे कि दूरी वही आई थी। ये देखिएगा यहां पर कंजुगेट वाले में जितना ओपी है उतना ओटी होगा, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, तो जेड बार भी ओरिजिन से उतनी दूरी पर होगा जितनी दूरी पर जेड होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जेड और जेड बार यह हो। तो यहां से एक चीज और आ जाएगी कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा यूजफुल रिजल्ट है, क्योंकि अगर आप जेड एक्स प्लस आयोटा वाई करते हैं तो जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, और अगर जेड और जेड बार को आप प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है का होल स्क्वायर है, और ये मॉड ऑफ जेड है तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने अभी जो चीजें आपको बताई हैं ये सब कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से बताया है। जो ज्यादा यूजफुल हमें लगेगा यहाँ वो पोलर फॉर्मेट लगेगा,
पोलर फॉर्मेट में आर्ग्यूमेंट और दो चीजें मॉड्यूलस दो चीजें आती हैं। मॉड्यूलस तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का नोशन हमेशा हमें समझने में आसानी होती है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में वेरी करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कोऑर्डिनेट में क्वाड्रेंट में सॉरी किसी भी क्वाड्रेंट में किस तरह से आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया जाना चाहिए और आर्ग्यूमेंट की जनरल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू का क्या मतलब है, इस पर एक अलग से लेक्चर होगा, तो वो मैं कल कराऊंगा आपको, आज इस पे मैं काम नहीं करा पाऊंगा। वो अपने आप में एक अलग वो होना चाहिए। दूसरा एक बड़ा शानदार चीज आएगी नेक्स्ट एक दो लेक्चर के बाद, वो हम इस पे बात करेंगे, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पे। ये सीखना बच्चों बहुत जरूरी है। हमें एक मैं अभी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं बता रहा हूँ, ये अगले एक दो लेक्चर के बाद आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज समझें तो स्टीरियोग्राफिक आसान होगा हमारे लिए समझना। मैं इसकी जरूरत पे बात करना चाहूंगा। जब हमने रियल लाइन पढ़ी थी तो वहां पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए ए, आपको ये पता है कि आप अगर लेफ्ट की साइड पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएंगे और राइट की साइड जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएंगे। तो जो आर है उसमें इन्फाइनाइट शामिल नहीं होता, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि आर में माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी दोनों को इंक्लूड कर ले और इसको हम एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो यहां तो फिर भी ठीक है कि दो इनफाइनाइट हैं, चलेगा। कॉम्प्लेक्स प्लेन हम बनाते तो ऐसा जैसा कुछ है जो प्लेन है, लेकिन एक्चुअल में उसकी बाउंड्री तो हम जानते ही नहीं है कहां तक होगा। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए प्लेन में, आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो यहां तो इनफाइनाइट भी अनकाउंटेबल हो गए, हर डायरेक्शन में एक इनफाइनाइट है। इतने सारे इनफाइनाइट के साथ एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाए जैसे ये यहां रियल में बनाया। तो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जी एफ बी रीमान साहब, आपने कई जो नाम सुन लिया होगा इनका। रीमान साहब ने एक कंसेप्ट दिया, उन्हें सोचा यार ऐसा सोचे जैसे एक दरी होती है ना, बड़ी सी चटाई दरी कुछ भी तिरपाल फैली हुई आंगन में, आप इसको चारों तरफ से समेटो और एक ऐसा बना दो। आपने दरी के सारे कोने यहाँ पर जहां पर मैंने एन लिखा है यहां पर समेट दिए चारों तरफ से, सोचो एक काल्पनिक तौर पर, तो आपने सारी इंफिनिटी एन पे समेट दी, आपने एट इंफिनिटी बना दी। अब तो प्लीज आप ऐसे समझिएगा कि चार बच्चे एक बड़ी सी चटाई या दरी बिछा रखी है हमने, चार बच्चे उसे उठा के ला रहे और एक गोला जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चारों कोने चारों बच्चे मिलाएंगे, आप समझ रहे होंगे। तो ऐसा ही कुछ बड़े लेवल पे सोचिए कि वो इनफाइनाइट सीट है, उसे बहुत सारे लोग उठा के लाए और एक स्पेयर जैसा बनाया, तो सारे इनफाइनाइट एक जगह पर कन्वर्स कर जाएंगे एन पे। और उनने कहा कि अब केवल एक ही पॉइंट है जो सारी इंफिनिटी को दर्शा रहा है और हम इसे नॉर्थ पोल मान सकते हैं इस स्पेयर का। तो अब केवल एट इन्फिनिटी हो गई। अब जब एट इन्फिनिटी हो गई तो कॉम्प्लेक्स में अगर मैं इन्फिनिटी कर दूं एट इन्फिनिटी, तो ये आपके पास एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है जिसमें अब इन्फिनिटी भी है। तो फिर ये कैसे करें और किस तरह से ये जो स्फीयर बनाया, इसे भी हम बाद में यूनिट स्फीयर जैसा मान लेंगे जब स्फीयर ही मानना है तो, और ये किस तरह से पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के आइसोमॉर्फिक है, हम इसको समझेंगे। बहुत शानदार प्रॉपर्टी। तो ये चीजें अगले दो तीन दिनों में आएंगी। आज पहला ही लेक्चर था, एक्चुअली 9 बजे से मुझे एक और लेक्चर देना है, तो इसीलिए इसको रोकना यहाँ पर जरूरी है। कल हम दोबारा जुड़ते हैं सुबह 7:30 बजे और कुछ और प्रॉपर्टीज पे, स्पेशली आर्ग्यूमेंट में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। मॉड पे तो ज्यादा फोकस क्या करना है वो सभी जानते होंगे। तो कल मिलते हैं 7:30 बजे। आपको किसी को कुछ कहना या पूछना है तो बोलिएगा, नहीं चलिए ठीक है, थैंक यू।